हैं, अनेबल टू सेट डेस्टिनेशन। वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आई एम आउट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग आफ्टर 4 मंथ्स, और आज मैं एक नई जगह पे जा रहा हूँ जिसका नाम है जंजरोली लेक, विच इज ऑल्सो नोन एज किड़वा लेक। और आज मेरे साथ है सुजॉय एज यूजुअल एंड रोहन। चल चले काफिला कर शुरू, आसमां से भी दूर। रावत साहब सर पे जी मालिक, कॉफी वॉफी चाहिए तो बताना था। रास्ते ये लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम अंधेरी, और इस जगह पे मैं पहली बार जा रहा हूँ। इसके बारे में ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुजॉय ने नई गाड़ी खरीदी है, तो प्रैक्टिकली ये उसका फर्स्ट एवर लॉन्ग ड्राइव विद हिज न्यू कार है, और हम देख लेते हैं अगर हमें ये पार्टी शार्टी कुछ देता है तो। सुजॉय एयरबैग ट्राई किया? अरे भाई तू चुप बैठ। How was the experience of the new car? मजा आ रहा है कि नहीं? अरे exciting, very exciting. पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्या सुजॉय, जिसमें क्या गाड़ी भी आप चलाओ, ऊपर भी आप चलाओ? कौन से ऊपर की बात कर रहा है? यहाँ ये वाले ऊपर। Change the topic. रास्ते यूं मिले गुमशुदा। हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, नोटिस ही नहीं किया, कुछ तो हो गया। 200 रुपए का फाइन भर के अभी जा रहे हैं आगे। ने अभी तक हमें पार्टी देने की बात की नहीं है, तो ये रिजल्ट शुरू हो गया है। आप में से जो भी मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि लास्ट 4-5 महीने में मैं कितना ज्यादा ट्रैवल किया, लेकिन व्लॉग नहीं कर पाया। काफी व्लॉगिंग भरा पड़ा है अंदर। मैं खाने वाला हूँ यहाँ पे या तो पोहा या तो उपमा, या तो मैं देखता हूँ तो छोले भटूरे खाऊंगा या फिर डोसा। लॉकडाउन है, बाहर नहीं खाना है। सवेरे 6 बजे जाके मैंने अंडा बॉयल किया, और यहाँ रखो लॉकडाउन चालू है। बेखबर से हम इस सफर में क्यों चल चले। फिर से हम एक लोकेशन पे आए, वांड्री लेक। पुलिस पेट्रोलिंग लगा हुआ है यहाँ पे और वो बंद है। अब हम जा रहे एक दूसरी जगह पे। आ रहा है हैशटैग गूगल कोर्ट्स आ रहा है। हाँ गूगल कोर्ट आ रहा है। क्या क्या देखो, जिंदगी में हर सवाल का जवाब नहीं होता शामिक, और उसी तरह से हर एक जो चीज है उसका एक सोच ले। अस्पायरिंग सदगुरु को लेके आए हमारे साथ जो गूगल कोर्ट देखते। नहीं सुजॉय को पहले बोल देते, सुजॉय कहाँ जा रहे हो? जंजरोली लेक। लेकिन ये नाम रखा किसने, मैं ये सोच रहा हूँ। और ऐसे ही एक दूसरे का लेग पुल करते हुए हम पहुंचे हमारा डेस्टिनेशन जंजरोली लेक। वेलकम टू जंजरोली लेक। नजारा देख रहे हो, है ना ब्यूटीफुल? क्या शांति है। अगर आप यहाँ पे कुछ ना भी करो ना, सिर्फ आके बैठे रहो, तो भी आप इतना एनर्जाइज्ड होके जाओगे यहाँ से। क्या सुकून है यार इस जगह पे। एंड धर्मराज, इधर अच्छा देखने का क्या है? वहां भी एक कान झुका हुआ है, जूनी का भी एक कान झुका हुआ है। और यहाँ हमें मिले रुपेश, जो कि एक लोकल बंदा है, और इसने हमें बताया कि आगे पहाड़ पे एक बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल है जो हमें जरूर देखना चाहिए।
तो हमने कहा भाई हम जरूर देखेंगे और हमारे साथ साथ आप भी जरूर देखिए। और ये शुरू होता है हमारा जंगल का सफर। जंगल तो काफी घना दिख रहा है, फॉरेस्ट ट्रेल। अच्छा, तो अंदर का जानवर जाग रहा है तेरा? और ये रुपेश के साथ हम चलते रहे वॉटरफॉल की तरफ। पानी तो शायद काफी कम होगा, बट जितना भी हो एटलीस्ट हमारा आना सार्थक हो जाए। यस, पानी का दर्शन तो हो गया। ये वही झरने का पानी है। हमें अभी उस वॉटरफॉल तक पहुंचना है। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। हम लोग इतना स्लो रिकॉर्ड करते हुए जा रहे थे कि हमें जो एक गाइड मिला था, जो इस ट्रिप का हमारा धर्मराज था, वो बेचारा तंग होके छोड़ के चले गए। ये तो डेड एंड है, ये डेड एंड निकला। अच्छा, यहाँ पे टार्जन बनना पड़ेगा। इवन दिस डिडंट वर्क। और ये शुरू होता है हमारा एक और सफर, रास्ता ढूंढने का। रास्ते से हम लोग आए थे ना? हाँ, तुम्हें उधर से ऊपर गया था ना मैं? तो हमें ऊपर जाना था। कट मार दिए क्या? हाँ। रास्ता ये कि ये है, इधर भी जाना भी जा सकते हैं। नहीं, वाटरफॉल कहाँ पे जा ना सकते हम लोग? उधर कितना दूर है यहाँ से? वो पीछे रह गया, बस ये बाहर निकलेंगे। हाँ तो चलो ना, चलते। दिस गाय रुपेश इज सो स्वीट यार। वो आगे निकल गए थे क्योंकि हम लोग शूट करते हुए आ रहे थे, तो हम थोड़े पीछे चले गए थे। सो दिस गाय ही एक्चुअली केम बैक। वो वापस आए हमारे लिए, उनको लगा है कि हम लोग खो गए होंगे, वो आए और अभी हमें लेके जा रहे हैं दूसरे। डेढ़ दो हजार फीट तो चढ़ गए हम लोग, दम तो है भाई, है कि नहीं? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बाप रे, देख रहे हो, जस्ट फॉर वन व्लॉग। वो पहाड़ है, हम लोग अभी बीचों बीच खड़े हैं, अब यहाँ से नीचे उतरना है। वॉटरफॉल के लिए काफी देर तक हम ऐसे ही एमलेसली चलते रहे, एंड देन वी डिसाइडेड टू हेड बैक। गाइड हमारा आगे निकल गया और हम जो है पीछे नीचे की तरफ वापस आने लगे। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक इसमें बड़े बड़े कांटे, संभल के। एंड नाउ वी आर लॉस्ट। हम खो चुके हैं, पेड़ के पत्ते वत्ते लेके कपड़ा शपड़ा बना के यहीं पे जिएंगे। यू नो व्हिच साइड टू गो नाउ। अब एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। वो शेरनी वेब सीरीज में ना एक बड़ा मस्त लाइन है कि जंगल में आप शेर को एक बार देखते हो, लेकिन शेर जो है ना आपको 99 बार देख चुका होता है। तो बड़ा संभल के रहना पड़ेगा अभी। अब हमें पता नहीं ये जंगल कैसा जंगल है, पता नहीं कोई तेंदुआ मेरे पीछे ही खड़ा हुआ है। लग तो रहा है कि इस रास्ते से हम आए नहीं है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी है नहीं सिवाय उसी रास्ते को पकड़ना जो रास्ता नीचे लेके जा रहा है।
और ये मिल गया हमें रास्ता। अब आगे चल के मेरा हाथ वाथ ना बहुत जल रहा है क्योंकि इतने जंगली वो लीव्स वगैरह है ना, खतरनाक रास्ता है भाई। और इस तरह काफी जद्दोजहद के बाद हमें बाहर निकलने का रास्ता मिला और यहां पहुंच के जो हमने देखा किसी मैजिक से कम नहीं था। आइए देखते हैं। ऐसे व्यू है और इस झरने के पानी के अंदर ऐसे मैं अकेले बैठा हूँ यहाँ पे। वो कहते हैं ना, झरने की आवाज इतनी प्यारी नहीं होती अगर इनमें पत्थर ना होते। यकीनन हमारे आज के अब तक के सफर के बाद ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में।